Hello everyone and welcome back once again to another session of UPSC GS2 series. So guys, अभी तक के दो sessions में हमने पढ़ा है Regulating Act और Pitts India Act 1784. तो Regulating Act और Pitts India Act से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से British Crown ने East India Company के ऊपर अपना control जो है वो जमाना शुरू कर दिया था. East India Company की जो भी कमियां थी उसको दूर करना start किया था और कैसे British Crown ने अपना धीरे धीरे कंट्रोल एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया ओवर द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. आज की वीडियो में हम कहानी सुनेंगे, हम कहानी पढ़ेंगे किसकी, चार्टर एक्ट्स की. अब चार्टर एक्ट्स की जो कहानी है वो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और चार्टर एक्ट से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो UPSC है चाहे वो स्टेट PSC का एग्जाम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव all the notification regarding the latest videos. And you can also join a Telegram group of UPSC GS2 free course. There you will get all the free PDFs of all these sessions. And in future, we will also provide the free PDFs also. All right. So let's begin with the Charter Act of 1793. But before we begin, agar hum baat karein Charter Act 1793 ki, to usse pehle ये जो चार्टर एक्ट 1793 है, इससे पहले भी कुछ चार्टर एक्ट आए होंगे, उनका क्या हुआ. देखो, हमने पढ़ा था, जब हमने सबसे पहला सेशन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ I. तो यानी 1600 में एक चार्टर एक्ट आया होगा, उसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया होगा. एंड रिमेंबर, जो 1600 में जो चार्टर आया था ना, वो 15 सालों के लिए आया था. यानी कि उसमें 15 साल के लिए ये लिखा हुआ था कि 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके से वर्क करेगी, इस तरीके से गवर्न करेगी अपनी टेरिटरीज को, राइट. अब जब 1615 में फिर से चार्टर आया होगा, उसके बाद बहुत सारे चार्टर्स आए होंगे, तो वो सारे चार्टर्स हम नहीं पढ़ते हैं जनरली. उसका रीज़न गाइज ये है, क्योंकि इंडिया, हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन पॉलिटी की. तो चार्टर एक्ट 1793 के बाद से ही जो चार्टर एक्ट्स है उनका इफेक्ट आया था ऑन दी इंडियन गवर्नेंस. इंडिया की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर चार्टर एक्ट्स का जो इफेक्ट था वो कब से शुरू हुआ था, चार्टर एक्ट 1793. सो सिंस वी आर डिस्कसिंग इंडियन पॉलिटी, सो वी विल डिस्कस ओनली दोज एक्ट विच हैज सम रिलेशन टू द इंडियन गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी. ऑलराइट, सो दैट इज वाई हम इससे पहले के चार्टर नहीं पढ़ते, क्योंकि वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है, उसको वो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से गवर्न करेगी, किस तरीके से अपने अफेयर्स को चलाएगी, वो केवल उसके लिए है. बट चार्टर एक्ट 1793 के बाद से ये होने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये प्रोविजंस डाले गए कि हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी विल गवर्न इट्स टेरिटरीज विच आर इन इंडिया. ऑलराइट, तो इसलिए हम शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1793 से. अब ये जो चार्टर एक्ट 1793 है, सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों लाया गया था. तो बेसिकली चार्टर एक्ट जो है वो क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से गवर्न करेगी. तो इससे पहले का जो चार्टर एक्ट था वो ख़त्म हो गया था, वो मतलब उसकी एक्सपायरी हो गई थी, उसका डेट ख़त्म हो गया था. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एक्सटेंड करने के लिए एक नया चार्टर ऑब्वियसली लाना ही पड़ता. तो इसलिए एक नया चार्टर एक्ट 1793 लाया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बाय द ब्रिटिश क्राउन. राइट, तो अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 के अच्छे कुछ प्रोविजंस की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, जिसका एग्जाम में आने की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं. सबसे पहली बात हम करेंगे ओवरराइडिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल. देखो 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा था, तो उन्होंने दो शर्तें रखी थी. पहली शर्त यह रखी उन्होंने कि उनके पास ओवरराइडिंग पावर होनी चाहिए टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल. मतलब उन्होंने ये बोला कि मेरे पास अगर आप ओवरराइडिंग पावर्स दोगे तभी मैं ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा. और दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि जो कमांडर इन चीफ होंगे ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया वो वही होंगे. तो सबसे पहली बात जो ओवरराइडिंग पावर्स की थी वो यहीं पर हो गई थी 1786 में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये दो शर्तें रखी. तो इसी शर्तों को आगे बढ़ाते हुए अब जितने भी गवर्नर जनरल आने थे इन फ्यूचर ऑफ बंगाल, उन सभी को ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई थ्रू दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1793. नाउ इस ओवरराइडिंग पावर का मतलब ये था कि अगर काउंसिल कोई डिसीजन बनाता है मेजॉरिटी से और गवर्नर जनरल को लगता है कि नहीं, इस डिसीजन, ये डिसीजन सही नहीं है या इस पर्टिकुलर डिसीजन में कुछ लूप होल हैं, कुछ शॉर्टफॉल हैं, तो वो अपनी ओवरराइडिंग पावर्स का इस्तेमाल करके उस डिसीजन को निगेट कर सकता है.
सो ओवर राइडिंग पावर्स दे दी गई गवर्नर जनरल को। और इस ओवर राइडिंग पावर्स की जो हिस्ट्री है वो कहाँ पे है, 1786 में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी। ऑलराइट, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इस एक्ट का ये है कि जो कंट्रोल था ओवर द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया। किसका कंट्रोल? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनका जो कंट्रोल था ओवर द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया। मतलब एक्सक्विजिट पावर्स दे दी गई किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। और इतनी पावर्स दे दी गई कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बॉम्बे में है या मद्रास में है तो वो सुपरसीड कर सकते थे उनकी अथॉरिटी को। किनकी अथॉरिटी को? बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के। ऑलराइट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बढ़ा दिया गया। अब ऑब्वियसली पहले कितना देते थे, 4 लाख पाउंड देते थे, तो हमेशा आप 4 लाख पाउंड थोड़ी ना देते रहेंगे, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप पहले अगर चावल 10 रुपये किलो खरीदते थे अगर 20 साल पहले, तो आज भी आप 10 रुपये किलो थोड़ी ना खरीदोगे, समझ रहे हो। तो इसी हिसाब से जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की टूवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन उसको इंक्रीज कर दिया गया। और कितना कर दिया गया? 5 लाख पाउंड। 5 लाख पाउंड अब उनको देने थे एनुअली। जो भी प्रॉफिट्स वो यहाँ से कमाते हैं इंडियन रेवेन्यू से, जो भी उनको प्रॉफिट आता है उसमें से 5 लाख पाउंड एनुअली उनको ब्रिटिश क्राउन को देना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है एक्विजिशन ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। इसका मतलब ये था कि फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिटिश पर्सन है, ये एक ब्रिटिश पर्सन है, ठीक है, इन्होंने टेरिटरी एक यहाँ पे एक्वायर करी इंडिया में, कोई सी भी ये टेरिटरी है जो इस ब्रिटिश पर्सन ने एक्वायर कर ली। तो अब इस एक्ट ने ये बोला कि अगर कोई ब्रिटिश पर्सन कोई टेरिटरी एक्वायर करेगा इंडिया में तो वो वहाँ का किंग या वहाँ का रूलर या वहाँ का कंट्रोलर नहीं होगा। वो ब्रिटिश पर्सन इस टेरिटरी को कंट्रोल करेगा इन द नेम अंडर द स्टैम्प एंड सील ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओनली। ऑलराइट, उन्होंने ये बोला इस एक्ट में ये बताया गया कि जो ब्रिटिश पर्सन है वो इस टेरिटरी को कंट्रोल करेगा अंडर द स्टैम्प एंड सील ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओनली। मतलब वो वहां का राजा या वहां का रूलर या वहां का कंट्रोलर नहीं होगा। ऑलराइट, मतलब एक्विजिशन होगा बट दैट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन ओनली। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ से धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है कंट्रोल है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। और जो ओवरराइडिंग पावर्स दी थी गवर्नर जनरल को ये एक बहुत अच्छा स्टेप था टुवर्ड दी सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के लिए और सेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के उनका कंट्रोल भी गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया था। ऑलराइट, और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स क्यों बढ़ाई गई थी ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। आगे चलने नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो ये था जो कमांडर इन चीफ थे उनको ये बोला गया कि अब आप गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते। ओके, अगर आपको अपॉइंट इस तरीके से नहीं किया गया है, अगर आपको अपॉइंट किया गया है इस तरीके से जब तक कि आप गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते। ओके, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है और जो आर्मी है उनके फंक्शंस को अलग रखा जाए। ओके, अगली बात इसमें यह कहेगी कि जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको यह बोला गया कि आप इंडिया छोड़ के नहीं जाओगे विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन। यहाँ पे परमिशन का था, अगर परमिशन लेके जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। ऑलराइट, बिना परमिशन के उनको मना कर दिया गया कि आप जो है इंडिया छोड़ के नहीं जाओगे। और अगर वो इंडिया छोड़ के चले जाते थे बिना परमिशन के तो ऐसा माना जाता था कि दे हैव रिजाइंड। ऑलराइट, इसके अलावा जो रेवेन्यू और जुडिशरी थी उनको सेपरेट कर दिया गया। अब इससे पहले क्या होता था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे वो माल अदालत यानी कि रेवेन्यू कोर्ट में ट्रायल होता था उसका, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट जिनको माल अदालत बोला जाता था, माल अदालत, इन माल अदालत में जाके रेवेन्यू रिलेटेड केसेस की ट्रायल होती थी। लेकिन इसके बाद इस एक्ट में ये बोला गया कि कोई भी अगर केस है तो वो जुडिशरी ही देखेगी, रेवेन्यू का अलग डिपार्टमेंट होगा, जुडिशरी का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इसके बाद से जो माल अदालत थी उनका जो एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो गई, माल अदालत खत्म हो गई, क्योंकि रेवेन्यू का अलग कर दिया गया और रेवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई केस है तो वो जाएगा किसके पास, जुडिशरी के पास। ओके, इसके अलावा जो सैलरी थी वो बोली गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो भी तुम्हारे सर्वेंट्स हैं उनकी जो भी सैलरी होगी वो तुम अपने आप दोगे, हम नहीं देंगे तुम्हें कोई भी पैसा, कोई भी खर्चा तुम्हें नहीं दिया जाएगा। जो भी सैलरी होगी, तुम बहुत पैसा कमा रहे हो यहाँ पे, तो जो भी सैलरी वगैरह होगी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की या ऑफिशियल्स की, ऑफिसर्स की, वो कंपनी को खुद ही बेयर करना पड़ेगा। ओके, तो गाइज ये था चार्टर एक्ट 1793। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह की गई ओवरराइडिंग पावर्स की बात की गई, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी उनको बढ़ा के 5 लाख पाउंड कर दिया गया। ये बोला गया कि अगर कोई एक्विजिशन होता है तो दैट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन।
जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनके ऊपर कंट्रोल बढ़ा दिया गया ऑफ द गवर्नर जनरल। इसके अलावा कमांडर इन चीफ को बोला गया कि आप साहब किसी भी गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होगा उसके मेंबर नहीं होंगे। सीनियर ऑफिशियल्स को बोला गया बिना परमिशन के इंडिया छोड़कर मत जाना वरना रेजिग्नेशन मान लेंगे। रेवेन्यू और जुडिशरी को सेपरेट कर दिया गया और जो कंपनी है उसको बोला गया कि अब से तुम्हारे जो भी सर्वेंट्स हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी तुम खुद दोगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको नहीं बताई, चार्टर एक्ट 1793 ने एक्सटेंड करा था 20 ईयर्स के लिए ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड किया था। तो अब अगर 20 साल के लिए एक्सटेंड किया था तो 1793 प्लस 20 कर दोगे तो 1813 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर 1813 में जाके चार्टर खत्म हो रहा है, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही ईस्ट इंडिया का खत्म हो रहा है, दैट मीन्स कि एक और चार्टर एक्ट चाहिए। तो इसलिए अगला चार्टर एक्ट आया चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 क्यों आया, आई होप क्लियर है, क्योंकि चार्टर एक्ट 1793 ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया में उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड किया था। तो 20 साल बाद यानी 1813 में दूसरा चार्टर जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो अब चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो थी ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब था क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी ट्रेड के ऊपर मोनोपोली थी हमारे देश में इंडिया में, इस ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया। नाउ इसका रीजन क्या था, ये ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश क्यों किया गया? तो इसके रीजन थे हमारे नेपोलियन भाई साहब इसके रीजन थे। क्यों नेपोलियन, कैसे थे रीजन? देखो हुआ ये था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो फ्रेंच कोस्ट था, ये स्टोरी है छोटी सी ध्यान से सुनना, फ्रेंच कोस्ट के ऊपर ब्लॉकेड लगा दी थी। तो नेपोलियन ने अपने यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिल के क्या करा, उसने जो ब्रिटिश से आने वाले शिप थे या जो ब्रिटिश से आने वाला कार्गो था या जो ब्रिटिश से आने वाला सामान था उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया। अपने यूरोपियन एलाइज को उसने बोला कि ब्रिटिश से आने वाले किसी भी सामान को हम नहीं लेंगे, अगर इनफैक्ट ब्रिटिश कोई सी हमारी तरफ फ्रेंच की तरफ आएगा, फ्रांस की तरफ आएगा या किसी और यूरोपियन एली की तरफ आएगा तो हम उसको कब्जा कर लेंगे। ब्रिटिशर अगर कोई हमारे यहाँ पे एलाइड कंट्रीज में या फ्रांस में पकड़ा जाएगा तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे और अगर कोई भी सामान ब्रिटिशर्स का है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स ने फ्रांस के ऊपर फ्रेंच कोस्ट के ऊपर ब्लॉकेट लगाया तो नेपोलियन ने रिटेलिएशन में उनके ऊपर भी लगा दिया। अब इससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि जो ब्रिटिश का जो एक्सपोर्ट था और ये जो नेपोलियन ने ब्लॉकेट लगाई थी, ये लगाई थी थ्रू द बर्लिन डिक्री, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्लिन डिक्री। और इसके बाद से यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट स्थापित करा था। ठीक है, इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट, यानी कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट ने ब्लॉक कर दिया है ब्रिटिश एम्पायर से आने वाले किसी भी सामान को, किसी भी इम्पोर्टेड सामान को या किसी भी कार्गो को। ओके, तो अब इससे नुकसान क्या हुआ, इससे नुकसान ये हुआ कि जो ब्रिटिश के एक्सपोर्ट फ्रांस में जाते थे या यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे वो तो बंद हो गए। अब अगर ब्रिटिश के एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे तो जो वहाँ पे मर्चेंट्स हैं, ब्रिटिश मर्चेंट्स, उनका नुकसान होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उनका नुकसान होगा। तो जब उनका नुकसान हुआ, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ, तो वो गए ब्रिटिश क्राउन के पास। उन्होंने बोला कि साहब हमें यूरोप में तो जाने नहीं दे रहा वो नेपोलियन, तो अब हमें कोई तो रास्ता दो वरना तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने ये डिमांड करी कि हमें परमिशन दे दी जाए कि हम एशिया में अब ट्रेड करें। तो इस परमिशन को ग्रांट करते हुए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में उसको ख़त्म कर दिया गया। ओके, मतलब ब्रिटिश मर्चेंट्स को, जो जनरल मर्चेंट्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जिनका कोई रिलेशन नहीं था, उनको भी बोला कि ठीक है आप भी जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखने वाली है, ट्रेड मोनोपोली ओवरऑल एस्टैब्लिश कर दी गई थी लेकिन टी के साथ, टी के लिए और ओपियम के लिए, और इसके अलावा विद चाइना, चाइना के साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही थी, ब्रिटिश मर्चेंट्स को नहीं दी गई थी। और इसके अलावा चाय की और ओपियम का जो ट्रेड था वो, उसकी मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था गाइज आफ्टर द चार्टर एक्ट 1813, ये आपको याद रखना है। एंड इसके पीछे क्या स्टोरी है मैंने आपको बता दी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नेपोलियन जो था वो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच कोस्ट को ब्लॉक किया था, उसके रिटेलिएशन में नेपोलियन ने ब्रिटिश जाने वाले सामान को, शिप को, एक्सपोर्ट को, सबको ब्लॉक कर दिया फ्रांस में और अपने यूरोपियन एलाइज में। ओके, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश जो एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया बिल्कुल, जिससे ब्रिटिश मर्चेंट्स को नुकसान हुआ,
ब्रिटिश मर्चेंट्स क्राउन के पास गए, क्राउन से परमिशन मांगी कि भाई साहब हमें एशिया में जाके ट्रेड करने दो वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ग्रांट करते हुए, इस परमिशन को ग्रांट करते हुए जो क्राउन था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी यहाँ पे हमारे देश में उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन वो ट्रेड मोनोपोली बनी हुई थी किसके ऊपर? टी के ऊपर, ओपियम के ऊपर और चाइना के साथ। ऑलराइट, दूसरा डेवलपमेंट इस एक्ट में ये हुआ कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको परमिशन दे दी गई कि जाओ इंडिया में जाओ और लोगों को एनलाइटन करो, लोगों को क्रिश्चियनिटी का ज्ञान दो, लोगों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्जन करो। कन्वर्जन के लिए उनको बोला गया, क्रिश्चियनिटी का ज्ञान देने के लिए बोला गया। तीसरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 1,00,000 रुपये एजुकेशन के लिए असाइन किए गए बाय द क्राउन की अब से 1,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे ऑन दी एजुकेशन। अब यहाँ पे एजुकेशन का मतलब ये समझना कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिग्री करवाएगी इंडियंस की, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये था, ये 1,00,000 रुपये का देने के दो पर्पस थे। पहला पर्पस ये था, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे उनको ऑब्वियसली एनलाइट, लोगों को एनलाइट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती ना, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो 1,00,000 रुपये में से कुछ अमाउंट वहाँ खर्च किया जाएगा। दूसरा इसके पीछे पर्पस पता है क्या था? दूसरा पर्पस ये था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे ना, इनकी बहुत राजशाही थी, मतलब ये बहुत मतलब एलीट क्लास के लोग थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। तो ब्रिटिश क्राउन ने ये सोचा कि अगर हम इंडिया में रहने वाले लोगों को जिनकी ज़रूरतें कम हैं या जो खर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं, जो कि लेविश लाइफस्टाइल से वाकिफ नहीं है, उनको अगर हम थोड़ा बहुत एजुकेट कर देंगे तो जो लोअर पोस्ट होगी क्लर्क वगैरह की, वहाँ पे हम इंडियंस को हायर कर सकते हैं। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इतनी ज़्यादा रहीस की ज़िंदगी वहाँ पे काट रहे हैं डिस्पाइट बीइंग ऑन द लोअर पोस्ट, उससे हमें निजात मिलेगी, उससे हमें खर्चा वहाँ से हमारा बच पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश क्राउन ने 1,00,000 रुपये अलॉट किए फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ओके, चौथी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हुई थी कि जो लोकल गवर्नमेंट थी यानी कि बंगाल मद्रास की जो प्रोविंसेस थे, बेसिकली लोकल प्रोविंसेस, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, उड़ीसा हो गया, इनको ये बोला कि आप जो है अब टैक्स लगा सकते हो। तो इससे पहले टैक्स कौन लगाता था? इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरऑल टैक्स लगाती थी। हमने पढ़ा था दीवानी राइट्स मिले थे, दीवानी राइट्स मिले थे ना, किनको मिले थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब मिले थे? बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में, उसके बाद इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे जिससे कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इसके बाद, इस एक्ट के बाद लोकल गवर्नमेंट्स को बोल दिया गया कि ओके आप टैक्सेस लगा सकते हैं, और उनको ये राइट भी दे दिया गया कि अगर कोई पर्सन आपको टैक्स नहीं देगा तो आप उसको पनिश कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था गाइस चार्टर एक्ट 1813। नाउ वंस अगेन, चार्टर एक्ट 1813 ने 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो मोनोपोली है या जो रूल है इंडिया में उसको एक्सटेंड किया था। तो ऑब्वियसली 20 साल जब पूरे होंगे तो एक और चार्टर एक्ट चाहिए होगा। दैट मीन्स इट गेव राइज टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी कि 20 साल के बाद एक और चार्टर की जरूरत है, तो इसकी वजह से चार्टर एक्ट 1833 आया। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। सो गाइज, आई होप आपको क्लियर है। एंड रिमेंबर, इतना डिटेल में जाओगे, हर चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ोगे, हर चीज़ के पीछे क्यों पूछोगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज भूल जाओगे। अगर आप सिर्फ ये याद कर लोगे कि ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया, तो आप आज याद करोगे कल भूल जाओगे। ऐसे ये तो तरीका ही नहीं है पढ़ने का, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट पीएससी, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, इतने फैक्ट्स हैं, कैसे याद रखोगे? तो आपको हर चीज़ के पीछे अगर रीज़न पता होगा और हर चीज़ को अगर आप कनेक्ट कर पाओगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट, देन आपके दिमाग में जो फैक्ट्स हैं वो ईजिली रह पाएंगे। अब जैसे मैंने आपको नेपोलियन की स्टोरी बताई, तो आई होप आप रिलेट कर सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इन सब चीज़ों को। राइट, अब आ जाओ चार्टर एक्ट 1833 पे। तो चार्टर एक्ट 1833 गाइस एक लैंडमार्क एक्ट माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लैंडमार्क एक्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि इस एक्ट के बाद जो सेंट्रलाइजेशन था इंडिया में वो और ज़्यादा बढ़ गया, सेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा बूस्ट मिला आफ्टर दिस एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सबसे पहली बात ये कही गई, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया की बात करी जाएगी। अब बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कुछ बात नहीं की जाएगी, पूरे इंडिया की बात की जाएगी। और इसी के तहत गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं कहलाएंगे, वो कौन कहलाएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जितनी भी मिलिट्री और सिविल पावर्स थी ना,
वो सारी की सारी उठा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दी गई। और ऑफकोर्स मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दैट लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ कि जो गवर्नर थे मद्रास के और बॉम्बे के, उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। उनको बोला गया कि अब तुम कानून नहीं बनाओगे, अब सारे कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के साथ मिलकर बनाएगा, ठीक है। और जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें पहले 3 मेंबर्स थे, इफ़ यू रिमेंबर पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिए थे, उसको बढ़ा के अब वापस कितना कर दिया गया? 4, जो कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट में 4 ही थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी उसको पहली बार ये बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो उसकी काउंसिल थी उसको बोला गया इंडिया काउंसिल। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि सेंट्रलाइजेशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है, जो क्राउन रूल है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता था? क्राउन। तो अल्टीमेट जो है अब इस टाइम भी जो अल्टीमेट कंट्रोल था वो क्राउन के हाथ में ही था, बट क्योंकि पूरी तरीके से वो रूल नहीं कर रहे थे इसलिए अभी हम इसको कंपनी रूल में ही काउंट करते हैं। ऑलराइट, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है। अब इसके अलावा जो कंपनी थी उसको पूरा डिक्लेयर कर दिया गया कि ओके द कंपनी विल नाउ बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इससे पहले वो कमर्शियल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन ऐसे परफॉर्म करता था, लेकिन अब कंपनी को बोला गया कि ओके यू विल नाउ बी कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, आप पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गए। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो अभी भी बने हुए थे। कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड की चाइना के साथ वो खत्म हो गई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। कौन से एक्ट के तहत कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना के साथ ट्रेड करने की, उसको खत्म कर दिया गया। एंड ऑफकोर्स ये एक स्टेटमेंट में गिवन था, ठीक है। इसके अलावा ओपन सिविल सर्विसेज की बात की गई पहली बार इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओपन सिविल सर्विसेज मतलब यानी कि ओपन कॉम्पिटिशन होगा फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब इससे पहले क्या होता था, तो सिविल सर्वेंट्स के लिए कैसे रिक्रूट होते थे? तो वो क्या होता था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना उनके, मतलब जैसे मैं कंपनी का एक ऑफिशियल हूँ, मैंने अपने किसी जानकार को अपॉइंट कर दिया सिविल सर्वेंट, इस तरीके से होता था बेसिकली। या मेरा बेटा है वो अब सिविल सर्वेंट, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मेरा बेटा है अब अगला सिविल सर्वेंट वो हो गया, इस तरीके से चलता था हिसाब किताब। लेकिन इस एक्ट में बोला गया कि भाई अब जो है ओपन कॉम्पिटिशन होगा फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और इसने ये बोला कि ठीक है हम इंडियंस को भी मना नहीं करेंगे कि अगर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये वाला प्रोविजन इन्फोर्स नहीं किया गया क्योंकि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, कंपनी के ऑफिशियल्स ने इस प्रोविजन को निगेट किया, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का इंडियंस का इंटरफेरेंस हो इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये वाला जो प्रोविजन था कि इंडियंस को भी इन्वाइट किया जाएगा फॉर ज्वाइनिंग द सिविल सर्विसेज, उसको खत्म कर दिया गया, उसको इन्फोर्समेंट में नहीं लाया गया, ओके। अगली बात यह हुई कि इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया और उसमें लॉर्ड मकाउले उसके पहले चेयरमैन थे, और ये बोला गया कि एनी लॉ जो भी अब इंडिया में लॉ बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्ट बोलेंगे। तो यहाँ से इंडिया के जो एक्ट और लॉ की कहानी है वो शुरुआत होती है और इंडियन लॉ कमीशन यहाँ पे बना दिया गया। और ये जो इंडियन लॉ कमीशन था ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी अगर लॉ बन रहा है इंडिया में, कोई भी एक्ट बन रहा है इंडिया के लिए, वो पहले इंडियन लॉ कमीशन के पास जाता था फॉर इट्स वेरिफिकेशन और फॉर इट्स स्क्रूटनी, ओके। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरी तरीके से स्लेवरी को खत्म कर दिया इन इट्स पोजीशंस एज वेल एज इन द ब्रिटेन। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आफ्टर दिस एक्ट वाज क्रिश्चियनिटी वाज ऑन द रोल, क्रिश्चियनिटी रोल में थी। अब हुआ यह था कि अब इससे पिछले वाले एक्ट में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको बोला गया था कि आप आओ भारत में आओ और यहाँ के लोगों को एनलाइटमेंट दो, यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी का ज्ञान दो, ठीक है। अब क्रिश्चियनिटी का ज्ञान देंगे तो ऑब्वियसली लोग क्रिश्चियंस जो है वो बढ़ेंगे इंडिया में और लोग जो है कन्वर्ट होंगे। और इसके अलावा एक और रीज़न ये था कि क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती चली जा रही थी तो ब्रिटिश क्रिश्चियंस भी इंडिया में बहुत सारे थे। तो इससे पहले 1813 वाला जो एक्ट था उससे उस टाइम केवल एक बिशप था इंडिया में, लेकिन इस एक्ट के बाद 3 बिशप कर दिए गए क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रिटिश क्रिश्चियंस है वो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब सेंट हेलेना आइलैंड है उसका कंट्रोल जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन। नाउ अभी अचानक से सेंट हेलेना आइलैंड कहाँ से आ गया मैं आपको बताता हूँ। सेंट हेलेना आइलैंड गाइज ये वही जगह है जहाँ पे नेपोलियन को आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, आई होप आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, बैटल ऑफ वाटरलू में जब नेपोलियन हारा था तो नेपोलियन को एग्जाइल करके सेंट हेलेना आइलैंड में ही रखा गया था। और इसका जो कंट्रोल था इसलिए 1815 से लेके 1821 तक जो पूरा कंट्रोल था सेंट हेलेना आइलैंड का वो क्राउन ने अपने पास रख लिया था।
फिर जब नेपोलियन की डेथ हुई थी इन 1821, उसके बाद वो जो कंट्रोल था वो ट्रांसफर कर दिया गया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वंस अगेन। ओके, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि सेंट हेलेना आइलैंड ये बीच में कहाँ से आ गया। सेंट हेलेना आइलैंड वही जगह थी जहाँ पे नेपोलियन को एक्साइल करके रखा गया था आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। ओके, तो गाइज दिस वॉज अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड वंस अगेन चार्टर एक्ट 1833 ने फिर से 20 साल के लिए एक्सटेंड किया था रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर 20 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे तो भाई सब फिर से एक और चार्टर एक्ट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो इसीलिए चार्टर एक्ट 1853 आ गया, 1853 आ गया, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, तो बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853। तो मैंने बता दिया पहले कि ये क्यों आया था, सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि 1833 वाले एक्ट ने 20 साल का एक्सटेंशन दिया था, तो ऑब्वियसली 1853 में एक और चार्टर चाहिए, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर गवर्न करना है तो कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हुई, सबसे पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया ऑफ द गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उसको अलग कर दिया गया। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश क्राउन है वो अपने पैर जमाना शुरू कर चुका था इंडिया में, और धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूल हुआ करते थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस तरीके से चलती थी वो तरीके यहाँ पे इंप्लीमेंट होने लगे थे। बिकॉज वहाँ का तरीका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो तरीके हैं वहाँ पे भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है बेसिकली, तो वही सिस्टम यहाँ पे भी धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट लाना चाहता था। तो अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया, तो भाई लेजिस्लेशन करने के लिए नए मेंबर्स भी तो चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। तो 6 नए मेंबर्स अपॉइंट किए गए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बोला गया था, उनको ऐड किया गया काउंसिल में। और दिस लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द काउंसिल परफॉर्म्ड इट फंक्शन ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इट एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे 6, रिमेंबर इसमें से 4 मेंबर्स जो थे वो लोकल गवर्नमेंट से उठाए गए थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के लोकल गवर्नमेंट में से इन 4 लोग उठाए गए थे जिनको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई थी। ओके, इसके अलावा ओपन सिविल सर्विस की शुरुआत यहाँ से होती है। अब एक्ट ने पूरी तरीके से बोला कि भाई सिविल सर्वेंट्स की जो ओपन कॉम्पिटिशन होगी और अब इंडियंस को भी यहाँ पे इन्वाइट करा जाएगा, और रीज़न यहाँ पे यही था, रीज़न अगेन यही था क्योंकि यहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो ब्रिटिश इंडिया के जो ब्रिटिशर्स वाले सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे कंपनी के बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स थे वो बड़ी लाविश लाइफस्टाइल जीते थे, तो अब इंडियन जो था उसको लाविश लाइफस्टाइल जीने की आदत तो नहीं थी, तो उनके लिए ओपन खोल दिया गया। ये जो ओपन सिविल सर्वेंट्स सिविल सर्विसेज के जो द्वार थे वो खोल दिए गए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंडियंस के लिए इन्होंने द्वार तो खोल दिए, इंडियंस के लिए गेट तो ओपन कर दिए सिविल सर्विस के, लेकिन इंडियंस के लिए वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था। उसके पीछे दो बहुत बड़े रीज़न ये थे कि जो इसका एग्ज़ाम होता था ना वो लंदन में होता था, एग्ज़ाम लंदन में होता था। यार उस टाइम तो हम गरीब थे, हमारा देश बहुत गरीब था और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि हम जाएं लंदन जाके एग्ज़ाम दे के आएँ, तो इसलिए कई साल लग गए थे इंडियंस को सिविल सर्विसेज में आने के लिए, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये था कि अगर कोई पर्सन सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो उसकी एलिजिबिलिटी थी बेसिकली उसमें हॉर्स राइडिंग कंपलसरी कर दी थी। तो अब हम ठहरे थे लूना चलाने वाले, अब लूना चलाने वाला आदमी कहाँ से हॉर्स राइडिंग करेगा, समझ रहे हो। तो ओपन तो कर दिया इंडियन के लिए, इंडियंस को लॉलीपॉप तो दे दिया कि देखो बेटा हम तुम्हारे लिए जो है वो सिविल सर्विसेज के गेट जो है ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो गेट इस तरीके से ओपन करे कि वो क्लोज ही थे, ठीक है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ऑफकोर्स आप सबको पता होगा मकाउले कमेटी ऑन द सिविल सर्विसेज। और यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट थी कि एक्ट ने ये बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो राइट ऑफ पेट्रोनेज चला आ रहा था, जो उनके पिताजी की जागीर चली आ रही थी टू द अपॉइंटमेंट इन इंडिया, मतलब वो अपने जागीरदारों को ही, मतलब उनकी जागीर थी टू द अपॉइंटमेंट ओवर द अपॉइंटमेंट, तो वो खत्म कर दी गई, ठीक है। तो ओपन सिविल सर्विसेज लेके आया गया। इसके अलावा सेपरेट गवर्नर बंगाल के लिए, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली, उनको पूरा इंडिया तो देखना ही था, साथ में उनको बंगाल भी देखना था, तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि गवर्नर जनरल जो है इंडिया के, उनकी ड्यूटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट गवर्नर बनाया जाएगा बंगाल का। और जब तक कि सेपरेट गवर्नर नहीं बनाया जाएगा तब तक कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू काम कराया जाएगा। तो ये बात है 1853 की, 1853। तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए गवर्नर अपॉइंट किया गया 1912 में जाके इसके लिए गवर्नर अपॉइंट किया गया। और पहले गवर्नर जो थे वो कौन थे, लॉर्ड कैरी माइकल 1912 में जाके उनको गवर्नर बनाया गया, तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही काम चलाया गया, ठीक है।
और इसके अलावा जो नंबर ऑफ डायरेक्टर थे उनकी जो नंबर्स थी 24 थी, इससे पहले उसको घटा के 18 कर दिया गया और ये बोला गया कि 18 में से 6 डायरेक्टर्स को ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट करेगा, डायरेक्टली नॉमिनेट करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि चार्टर एक्ट्स के थ्रू जो सेंट्रलाइजेशन है इंडिया में वो बढ़ती जा रही थी। और जो चार्टर एक्ट 1853 था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसने कोई भी पीरियड असाइन नहीं किया था, नो पीरियड वॉज असाइन। जैसे इससे पिछले वाले एक्ट में 20-20 साल करा, 1793 में 20 साल, 1813 में 20 साल, 1833 में 20 साल, 1853 ने कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया था ऑफ द एक्सटेंशन। और इसके बाद तो हम सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया था और कंपनी का जो रूल था वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया और क्राउन रूल को एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में। और जो क्राउन रूल की एस्टैब्लिशमेंट थी इंडिया में, जो इसके नींव थी, इसका जो बेस था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही रख दिया गया था। और ग्रेजुअली जो था ब्रिटिश क्राउन थ्रू ऑल दीज एक्ट्स जो भी हमने पढ़े उसके थ्रू अपने जो पैर था वो जमाना शुरू कर चुका था इंडिया में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फंक्शनैलिटीज थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसको वो धीरे धीरे कम कर रहा था। ओके, सो गाइज, ये थे चारों चार्टर एक्ट। आई होप आपको चारों चार्टर एक्ट क्लियर हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको चार्टर एक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप हमारे देश का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। UPSC से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें चार्टर एक्ट पूछा जाए। और चार्टर एक्ट प्री में जनरली पूछा जाता है, मेंस में बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर पूछा भी जाएगा मेंस में तो कोई डरने की बात नहीं है, आपके सामने सब कुछ है, जो भी चीज़ है, जो भी स्टोरी, जो भी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, आई होप आपको समझ में आई है। एंड अगली जो क्लास होगी दैट मीन्स कल, उसमें हम पढ़ेंगे तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि 1858, 1919 और 1935, तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और एक अच्छी और एक नई कहानी के साथ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बताएं कि GS2 का फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया गया है anujjindal.in पे, तो वहाँ पे जाके आप ये पूरा का पूरा फ्री कोर्स अवेल कर सकते हो। और ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा ऑफ कोर्स इंडियन पॉलिटी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी वाला पूरा पार्ट कवर हो ही रहा है और मेंस में तो करेगा ही, बिकॉज ये GS2 मेंस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर। एंड रिमेंबर वन थिंग, टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फ्री PDF अभी ये सेशन वाले PDF जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और धीरे धीरे करके जब आप वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो वहाँ पे वी विल ऑल्सो प्रोवाइड द फ्री PDFs ऑफ द कॉन्टेंट ऑल्सो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।